हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सुभाषी। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहां मोमेंटम कर सकता है, कौन से स्टॉक आप ट्रेड कर सकते हो, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। आज मार्केट बहुत ही क्रेजी था, हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे कहां तक मार्केट जा सकता है। अभी करेंटली मार्केट एक नो ट्रेडिंग जोन पे है, कहां पे आपको सेल करना चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए। फर्स्ट थिंग, कल जितने लोगों ने ट्रेड किया होगा यहां पे मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश था। आज मार्केट बहुत नीचे खुला, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला। बार बार मैं आपको बताता हूं, बहुत बड़ा अगर गैप डाउन खुलता है इंट्राडे में, जितने लोग ट्रेड करते हैं ऑलरेडी आपके हाथ से ऑलरेडी एक प्रॉफिट जा चुका है, तो इसके हिसाब से आपको थोड़ा क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। ये बार बार मैं आपको सिखाता हूं। और आज कल का मार्केट देख के मैंने भी 36,000 के नीचे इतने पुट थे मैंने शॉर्ट करके रखा था, और यहां पे मार्केट में खुलते ही साथ एक बड़ा लॉसेस हुआ। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने के बाद भी स्टिल डे रेड में ही क्लोज हुआ, क्योंकि इतना बड़ा वॉलेटिलिटी हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट 500 पॉइंट नीचे खुला और ये खुलने के बाद परफेक्ट एक सपोर्ट प्लेस पे खुला। इसी टाइम पे मैंने आपको 35,800 का पीई भी शॉर्ट करने के लिए दिया था। फर्स्ट एक 30 रुपीज का एसएल हिट हुआ, जितने लोग री एंटर किए होंगे उन लोग को एक अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। अगर यहां पे देखेंगे यहां पे भी एक इनसाइड कैंडल था, समय अराउंड ये पॉइंट पे एक इनसाइड कैंडल था, यहां पे भी इनसाइड कैंडल था, लेकिन यहां पे नीचे की साइड आपको एंट्री मिला था जो फेवरेबल एंट्री नहीं था। यहां पे एक अच्छा एंट्री था, ये पॉइंट पे एक अच्छा एंट्री मिला होगा इनसाइड कैंडल, तो एक अच्छा प्रॉफिट मिला भी होगा। लेकिन अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं मार्केट कहां तक जा सकता है। फर्स्ट थिंग, अभी आके कहां पे हॉल्ट हुआ है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है नो डाउट। ये रिटर्न कहां से हुआ, जहां पे गैप फिल हुआ ये पॉइंट पे, यहां पे एक रिटर्न हुआ। कल मैंने आपको बताया था मार्केट अगर 15 मिनट कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है तो 36,300-36,200 ये कॉल आप शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि यहां पे एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, इसके नीचे मार्केट रहने वाला है। मार्केट बहुत तेजी से नीचे, मतलब गैप डाउन खुला, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, ये नीचे आ गया। इसका मतलब यहां पे एक रेजिस्टेंस है, यहां से ये बाउंस बैक हुआ है, ये एक सपोर्ट है। समय अराउंड 35,600-550 एक सपोर्ट है। अगर इसको हम लोग और थोड़ा सा पीछे की तरफ देखेंगे, ये कंटिन्यूअसली बहुत टाइम तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते आया, यहां पे ब्रेकआउट दिया, ये नीचे आया यहां पे, तो इसका मतलब आपको समय अराउंड ये रेंज के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए। अभी करंट लेवल पे 35,700 से लेकर 36,250 तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं दे देता। और एक चीज ध्यान में देखो, ये जो टेक्निकल ब्रेकआउट होगा, अपसाइड हो या फिर डाउनसाइड अगर ब्रेकआउट देगा, इसका डबल जनरली टारगेट हो जाता है। इसका मतलब 1300-1400 पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है। सेलिंग के साइड ये पास में है, तो सेलिंग के साइड हमको कहां पे प्लान करना चाहिए। मार्केट अगर 35,600 के नीचे एक 15 मिनट चार्ट में अगर क्लोजिंग दे देता है, हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 100-150 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपको 700-800 रुपीज का टारगेट हो सकता है, इंट्राडे में हो जाए या फिर आपको लॉन्ग टर्म। क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, पोजिशनल बेसिस में बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है ये रेंज अगर क्रॉस हो जाता है। देखिए ये रेंज पे कंटिन्यूसली फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम अगर ये फिर से रिटर्न आता है, थर्ड टाइम हिट करेगा। इसके नीचे जो सपोर्ट आप देख रहे होंगे 35,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां से कंटिन्यूसली मार्केट बाउंस बैक हो रहा है। लेकिन ये लेवल ये मोर देन 3-4 टाइम ऑलरेडी टच कर चुका है। अगर यहां से मार्केट आता है इट विल बी फ्लो और ये फ्लो की तरह गिरेगा, लेकिन उससे पहले 35,600 में एक कैंडल क्लोज होना चाहिए। मार्केट को अगर बुलिश बनना है तो कल मार्केट कभी भी 35,500 या 600 के नीचे आएगा नहीं। मार्केट समय अराउंड 36,000 के आसपास खुलेगा, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा, राउंड लेवल है, और यहां से फिर धीरे धीरे ऊपर लेके चले जाएंगे। हम लोग पोजिशन कहां पे बनाएंगे, 36,300 के ऊपर एक अगर क्लोजिंग दे देता है तभी आपका पोजिशन बनेगा, और ऊपर के साइड भी आपको 1000 पॉइंट का टारगेट रखना पड़ेगा, इजी हो जाएगा। लेकिन मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर कहीं पे भी ट्रेड करे, आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे। अभी एक मार्केट में रेंज बन चुका है 15 मिनट चार्ट्स के अंदर, लेट ब्रेकआउट दे देने दीजिए मार्केट को, फिर आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा यहां पे इजीली। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग निफ्टी देखेंगे 15 मिनट चार्ट्स में, मैं आपको बताऊंगा 15,200 के ऊपर ही कोई पोजीशन आप बाइंग के लिए रख सकते हो, और 15,000 अगर ये एक बार क्रॉस होता है तो आप एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हो, एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि जो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा इसका 14,750, यहां पे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर यहां पे 15,200 क्रॉस करता है तो आपको बाय करना पड़ेगा। देखिए ये रेंज के अंदर ट्रेड मत करो, क्योंकि कंफ्यूजन होने वाला है। लेट से कल सेलर चाहेंगे 15,000 के नीचे क्लोजिंग दे देने के लिए, लेकिन बायर चाहेंगे कि नहीं ये पॉइंट से ये फिर सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, तो यहां पे आपको कंफ्यूजन होने वाला है। इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं ये रेंज को क्रॉस होने दीजिए। 15,200 के ऊपर एक क्लियर कट मोमेंटम फिर से रहेगा। अगर ये 15,000 के नीचे राउंड लेवल ब्रेक कर देता है, जो कि मल्टीपल टाइम यहां पे टेस्ट हो चुका है, अगर फिर से आता है तो ये थर्ड टाइम टेस्ट होगा,
अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे गैप क्रिएट है, ये भी फील करेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट है, ये भी मार्केट आ सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट हमको देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन दोनों के साइड एक ब्रेकआउट होने दीजिए। कौन से साइड ब्रेकआउट हो रहा है हमको कल पता चल जाएगा, फिर हम लोग मंडे से इजिली ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट वीक मार्केट कभी 300 पॉइंट ऊपर, फिर 200 पॉइंट डाउन, कभी 500 पॉइंट ऊपर, 400 पॉइंट, कंटिन्यूसली गैप अप गैप डाउन खोलते आया है। तो अभी मार्केट थोड़ा ट्रेंडिंग हो सकता है, लेकिन रेंज पहले ब्रेकआउट होने दीजिए, फिर एक इजी ट्रेड्स मिलेगा। आई होप ये सारे पॉइंट आप नोट कर चुके होंगे और आपको इजी होगा। अभी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है टीवीएस मोटर। अगर हम लोग देखेंगे यहां पे एक अपसाइड मोमेंटम था, सेलिंग का प्रेशर आया, फिर ये समय अराउंड 50-60% रेंज के अंदर से फिर से ये रिवर्स हो रहा है। 615 के नीचे फिर से हम लोग सेल कर सकते हैं। 600 एक राउंड लेवल है, 15 रुपीज में हम लोग को इंट्राडे में मिल सकता है, इसको कल हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। एक्जैक्टली कौन से लेवल पर ट्रेड करना है कल मैं आपको टेलीग्राम चैनल बता दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वन मोर थिंग, अगर कल लेट से कि ना हम लोगों ने प्लान किया ट्रेड करने के लिए 4500 अगर गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है, उस दिन इग्नोर कर दो ट्रेड करना, क्योंकि 400-500 पॉइंट प्री मार्केट में ऊपर नीचे खुल चुका है। इधर इट विल बी पैनिक सिनेरियो या स्कैरी सिनेरियो हो सकता है या फिर ग्रीडी सिनेरियो हो सकता है। इट्स ऑलवेज बेटर कि ना अगर बहुत कंफ्यूजन है उस दिन आप क्वांटिटी कम कर दो या ट्रेड ना करो, क्योंकि नेक्स्ट डे हमको फिर इजी मार्केट मिलने वाला है। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो। बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन खुल गया, मैं आपको टेलीग्राम में जानबूझ के पोस्ट नहीं करता, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन सिनेरियो होगा। जो हम लोगों ने प्लान किया था ये खुलेगा, लेट से कल अगर हम लोग इसको सेल करने के लिए रखे हैं, लेकिन मार्केट कहां खुलेगा 240 पे, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। इट्स ऑलवेज बेटर कि जिस दिन मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम लोग का प्रीवियस डे एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, हम लोग उस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, 245 के नीचे हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सपोर्ट था इसका 240 के आसपास था, तो यहाँ पे एक मोमेंटम हो सकता है। यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया था समय अराउंड 238-240 लेवल के आसपास, तो यहाँ तक मार्केट आके फिर ये होल्ड करके ऊपर की तरफ जा सकता है, तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है, इसको कल हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है SEC, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे 1860 के ऊपर हम लोग इसको बाई कर सकते हैं, 8-10 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, अगर ये कल कंटिन्यू करता है हो सकता है 1900 का टारगेट भी आपको इंट्राडे में देखने के लिए मिले, क्योंकि जो नेक्स्ट राउंड लेवल है वो 1900 के आसपास है। नेक्स्ट स्टॉक है बालकृष्णा इंडस्ट्री, अगर देखेंगे 1550 के आसपास ये कंटिन्यूअसली होल्ड कर रहा है। सेलिंग का प्रेशर था नो डाउट, लेकिन यहां पे डब्ल्यू पैटर्न ऑलरेडी बना चुका है, इसका मतलब ये रिकवर कर चुका है। ये प्राइस एक्शन के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं यूट्यूब के ऊपर, आप लोग जाके वहां पे देख सकते हो, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। ये सारे पैटर्न ट्रेंड चेंज के ऊपर होता है, मार्केट फॉल हुआ उसके बाद अगर ये कंटिन्यूअसली नीचे नहीं जा रहा है और एक्युमुलेट हो रहा है, जैसे यहां पे एक्युमुलेट हो रहा है, तो ये मोमेंटम कर सकता है। जैसे कल डॉक्टर रेड्डी हम लोग डिस्कशन किए थे, आज मार्केट नीचे गया फिर ऊपर खुला, नीचे फिर ऊपर मोमेंटम किया, तो डॉक्टर रेड्डी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, क्योंकि यहां पे एक्युमुलेट हो रहा था, ब्रेकआउट का जोन था, मोमेंटम किया। सेम 1640 के ऊपर इसको हम लोग बाय कर सकते हैं, एक अच्छा मोमेंटम मुझे यहां पे दिख रहा है, हो सकता है आने वाले टाइम बहुत बड़ा मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इतना बड़ा शार्प फॉल के बाद ये जब भी ऊपर जाएगा फिर सेलर इसको सेल करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हिट करेगा, तो हम लोग बड़ा टारगेट तो नहीं सोचेंगे, लेकिन एक अच्छा ब्रेकआउट है, इसको कल हम लोग बाय कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।